दतिया में कांग्रेस की किसान जागृति यात्रा का प्रथम चरण का प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। यात्रा का शुभारंभ मां पीताम्बरा मंदिर पीठ के दर्शन कर कांग्रेसियों ने शुरुआत की। यात्रा का प्रथम चरण 3 दिवसीय होगा। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के विरोध में लगभग 2 माह से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेसियों के द्वारा किसान जागृति यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें गोराघाट से लेकर इंदरगढ़ तक के लगभग 24 गांवों में किसान सभा का आयोजन किया जाएगा। देखिए, आप सबको पता है कि पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहे हैं। मोदी सरकार जो कानूनों को लेकर आई है, जिसको वो कृषि सुधार कानून कह रही है, पूरे देश के किसान संगठनों ने, किसानों ने ये तय किया है कि वो काले कानून हैं। अगर वो कानून लागू हो गए तो सिर्फ अडानी और अंबानी की तिजोरियां भरेंगी और किसान के हाथ में जो किसानी है वो भी उससे छिन जाएगी। इसलिए उस आंदोलन के खिलाफ जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, हम सब दतिया के कांग्रेस के साथी, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी खड़े हैं, सभी वरिष्ठ साथी खड़े हैं, हम सारे साथी उन दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पूरी किसान जागृति यात्रा जिले में निकालेंगे। और हम दिल्ली भले ही नहीं जाएं, लेकिन हम दतिया को ही दिल्ली बनाने का काम करेंगे। जिस तरफ वो आंदोलन जाएगा, उस तरफ हम पूरे साथी उस आंदोलन के हिसाब से अपने आंदोलन यहाँ तय करेंगे। हमारे ज़िले की कांग्रेस कमेटी ने लगातार पिछले कुछ दिनों में भी वो आंदोलनों के संबंध में जगह जगह कार्यक्रम किए हैं और अभी भी हम कह रहे हैं कि कार्यक्रम एक प्रदेश से दिया हुआ या देश से, हमारी पार्टी से दिया हुआ, सिर्फ हम वो कार्यक्रम नहीं करेंगे। हमें वो कार्यक्रम करने के साथ साथ अगर आवश्यकता पड़ेगी, अगर दिल्ली का आंदोलन उग्र होगा तो हम आंदोलन उग्र करेंगे, नहीं तो शांतिपूर्ण ढंग से बहुत जल्द आप देखेंगे 5 से 10 दिन के अंदर पूरी यात्रा कंप्लीट करने के बाद हम दतिया के अंदर एक बहुत बड़ा जंगी प्रदर्शन उन किसान आंदोलन के समर्थन में करेंगे। दतिया से प्रदीप सिंह की यह रिपोर्ट।